एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल JDS लॉ गुरुजी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के उन कानूनों के बारे में जो कोरोना जैसी महामारी के दौरान बनाए गए हैं, जिसको आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारतीय रेल का जो सबसे पहला रूल अभी बनाया गया है वो ये है कि आप लोगों को प्लेटफॉर्म टिकट अवेलेबल नहीं कराया जाएगा। इट मींस यदि आप सोच रहे हैं कि आप किसी परिजन को रेलवे प्लेटफॉर्म के अंदर छोड़ने जाएंगे, रेल पकड़वाने जाएंगे जैसे पहले जाते थे, तो अब अलाउ नहीं किए जाएंगे। दोस्तों यदि आप गलती से या चोरी छुपे चले भी जाते हैं तो जब आप वापस आएंगे तो वहां पे आपको पुलिसकर्मी या फिर वहां के जो TT या जो स्टाफ होते हैं आपका बहुत ही भारी चालान कर देंगे। दूसरा कानून इसका यह है दोस्तों, यदि आप ये सोचते हैं कि हमारे पास टिकट नहीं है और हम फाइन देके चले जाएंगे, तो दोस्तों आपको फाइन देकर भी ट्रैवलिंग के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तीसरा रूल इसका यह है दोस्तों, यदि आपकी टिकट वेटिंग में है, आपने कटाई है और वेटिंग में आई हुई है, और जिस दिन रेलगाड़ी चलनी है उस दिन तक भी यदि आपका वो टिकट कंफर्म नहीं होता है तो आप यात्रा के लिए अलाउ नहीं किए जाएंगे। इसका चौथा कानून ये है दोस्तों, यदि आपकी टिकट वेटिंग में थी और RSC में कन्वर्ट हो गई है, या आपने RSC में कटवाया हुआ है और वो RSC में ही रहेगी, कन्फर्म नहीं हुई है, तो दोस्तों आप ट्रैवलिंग के लिए अलाउ किए जाएंगे, यानी RSC जो टिकट है वो ट्रैवलिंग के लिए अलाउ होंगे। दोस्तों इसका जो अगला रूल है वो ये है कि आप जो है मास्क व सैनिटाइजर दोनों अपने साथ लेकर आएंगे, यानी मास्क जो है आप प्रॉपर पहने हुए होंगे और सैनिटाइजर का प्रॉपर यूज करेंगे, यानी सैनिटाइजर भी साथ लेकर जाएंगे। इसका जो लास्ट रूल है वो ये है दोस्तों, यदि जो आपने बिहार से या फिर आनंद विहार से बिहार के लिए ट्रैवलिंग किया या किसी भी स्टेशन के लिए दूसरे स्टेशन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप जहां पे उतर रहे हैं तो वहां आपका प्रॉपर कोरोना टेस्ट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप आनंद विहार से बिहार के लिए आ रहे हैं और आपने मोतिहारी में उतरे हैं, या आपको मोतिहारी जाना है या मुजफ्फरपुर जाना है, तो यदि आप वहां उतरते हैं तो प्लेटफॉर्म पे आपका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। जो भी कोरोना की जो टीम है, जो कोरोना वॉरियर्स है, वो वहां पे अवेलेबल होंगे और आप सभी यात्रियों का जांच किया जाएगा, तभी आप बाहर के लिए अलाउ किए जाएंगे। दोस्तों ये मोटा मोटी 6 रूल्स थे जो अभी भारतीय रेल द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं, जो आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप बीमार हैं तो प्लीज़ ट्रैवल ना करें, ट्रैवलिंग से बचें और घर पर ही रहें और कुछ नियमों का पालन करें। दोस्तों इसी के साथ मैंने हाल ही में जो ट्रैवल किया है तो मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की हैं जो मैं भारतीय रेल को सुझाव भी देना चाहूँगा, और ये चाहूँगा कि भारतीय रेल उसको जल्दी अमल में मिलाए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कोरोना जैसे महामारी के दौरान। दोस्तों जो सबसे पहला जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये है कि RSC टिकट भी मान्य नहीं किया जाना चाहिए। इट मीन्स RSC का मतलब होता है जो साइड की जो लोअर और अपर सीट होती है, उसमें जो लोअर है उसमें दो होते हैं, तो उसमें ही एक सीट पे दो लोग को अलाउ किया जाता है, उसको RSC कहता है, यानी एक ही सीट पे दो लोग एक इधर मुंह करके और एक इधर मुंह करके सोते हैं, यानी कहीं से भी उनमें फासला नहीं बसता है, एक दूसरे से टच होते हैं, दो अनजान लोग बिल्कुल प्रॉपर सारी चीज़ें जो है ना टच होती रहती है, तो जो दो गज दूरी का हम लोग जो प्रिंसिपल अपनाए हुए हैं वो फॉलो नहीं होता, तो उसको रद्द किया जाना चाहिए। दूसरा सुझाव दोस्तों ये है कि जो भी लोग टिकट कटा रहे हैं उनको जो है ना मिड की जो बीच वाला जो सीट है वो अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, यानी सरकार को पहले ही उसकी रिजर्वेशन बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि बीच वाले सीट से क्या होता है कि जब वो सीट गिरी हुई होती है तो सारे लोग जो है नीचे बैठते हैं, नीचे वाले सीट पे उनमें कोई भी फासला नहीं रहता, यानी एक सीट पे 3 लोग बैठे हुए थे, यदि बीच वाले को अलाउ नहीं किया जाएगा तो उन दो यात्रियों के बीच में अच्छा खासा गैप होगा और आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। मेरा तीसरा सुझाव ये है भारतीय रेल को कि जब भी कोई यात्री उसमें सफर करने के लिए जाता है तो उनके टिकट के साथ उनको मास्क प्रोवाइड किया जाना चाहिए, क्योंकि क्या पता कोई लोग कितने दिन से मास्क यूज कर रहे हैं, वॉश किया है नहीं किया है, उसके ऊपर कोरोना वायरस चिपके हुए हैं नहीं है, हम नहीं जानते हैं, वो एक ही मास्क को लेके रख लेते हैं फिर वही लगा लेते हैं, उनको पता नहीं होता कि उसके ऊपर भी मास्क के ऊपर जो वायरस है वो चिपके होते हैं, और आप कहीं निकालते हैं टच करते हैं तो वो फैल भी सकते हैं। तो प्रॉपर नया मास्क जो है, हालांकि 5 रुपये 2 रुपये का मिलता है मास्क, वो भारतीय रेल को दिया जाना चाहिए, भले उसकी वैल्यू जो है टिकट में ऐड कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा मेरा जो सुझाव ये है कि प्रॉपर जो कैबिन है उसमें एक इतना छोटा बोतल, जहाँ पे बोतल रखते हैं हम लोग पानी की बोतल के लिए जो बनाया गया होता है, वहाँ पे जो है सैनिटाइजर का बोतल रखना चाहिए, जिससे यात्री मिनट पे अपने हाथ वाथ को सैनिटाइज कर सके या सीट वीट को सैनिटाइज कर सके। मेरा अगला सुझाव भारतीय रेल को ये है कि जो वॉश बेसन है वहाँ पे एटलीस्ट सोप का एक बोतल अभी रखना चाहिए, अमूमन नहीं होता है पर चल जाएगा, लेकिन अभी जो सिनेरियो चल रहा है कोरोना का जो महामारी चल रहा है इसके दौरान हाथ वाथ धोना प्रॉपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग जो है साबुन को कैरी नहीं कर रहे हैं या जो पेपर सोप आते हैं वो बेचने वाले ट्रेन में नहीं आते हैं, तो भारतीय रेल को करना चाहिए कि इतनी बड़ी बड़ी बोतल जो है ना वो वॉश बेसिन के ऊपर ही लगा ले, जिससे मिनट में लोग अपने हाथों को अच्छी तरह साफ कर सके और इससे लोग जो है ना यू नो कोरोना से भी बच सकते हैं, क्योंकि हाथ धोना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा
जरूरी है। लास्ट सुझाव मेरा ये है भारतीय रेल को कि जब भी रेल अपने प्लेटफॉर्म पे लग रही है, मान लीजिए आनंद विहार से बिहार मुजफ्फरपुर के लिए आ रही है या मोतिहारी के लिए आ रही है, तो जब वो ट्रेन लगने वाली हो उससे पहले उसको प्रॉपर वॉश किया जाना चाहिए, सैनिटाइजेशन होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इसमें मैंने जो है अभी जो सफर किया उसमें मैंने ऑब्जर्व किया, जो सीट थी उसके ऊपर तंबाकू के बहुत सारे जो है ना कण गिरे हुए थे, जो चिप्स के रैपर थे वो सीट के नीचे थे और प्रॉपर पानी की बोतल वहीं पड़ी हुई थी। इसका मतलब ना तो उसमें सफाई हुआ है ना उसका सैनिटाइजेशन हुआ है। तो दोस्तों ये कुछ सुझाव है जो मैं भारतीय रेल को देना चाहूँगा और ये उम्मीद करूँगा कि जल्दी जल्दी ये चीज़ें वो लागू करें जिससे हम लोग कोरोना की जो थर्ड वेव है उसमें लड़ सके और एक दूसरे की मदद कर सके। तो दोस्तों यदि आपके कुछ सुझाव हैं या आपके कुछ आइडियाज़ हैं जो मुझे आप बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसको मेंशन करें, एंड हमारे वीडियो आपको कैसी लगी इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल JDS Logrosa।